मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 211, ओनली 8.25% पीपल ऑफ रूरल हाउसेज हैव मंथली इनकम ऑफ मोर देन 10,000. ओनली 8.25%. द रेस्ट ऑफ 92% डोंट. सो हाउ आर यू गोइंग टू बेनिफिट 92%? वेयर आर यू गोइंग टू गेट द जॉब्स फ्रॉम इफ योर जॉब्स आर डिक्रीजिंग? दिस इज अनदर जुमला, कमल का हमला और एक और जुमला, कमल का हमला और एक और जुमला. देन सर, एज फार एज एग्रीकल्चर, आप किसानों की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर 5 एकड़ की लैंड की बात हो रही है. 86% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री हैव लैंड होल्डिंग्स विच विल क्वालिफाई फॉर रिजर्वेशन. 86%. एंड हाउ मेनी विल गेट रिजर्वेशन? अगेन द सेम प्रॉब्लम. सो यू डोंट हैव द जॉब्स बट यू आर वॉन्टिंग टू गिव रिजर्वेशन टू ए सिनारियो वेयर जॉब्स आर डिक्रीजिंग एंड यू वॉन्ट एंड यू. ऐसा है, हमें आपका मकसद मालूम है. आप हंस रहे हो ना, 2019 के बाद रो नहीं लेना कहीं, अभी तो हंस रहे हो आप जैसे पिछले. कृपया आपस में बात ना करें, कृपया आपस में बात. नाउ सर, जस्ट टू से सम बेसिक फैक्ट्स सर, दिस वॉज ट्राइड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट इज रिजर्वेशन ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया. हरियाणा 10% रिजर्वेशन स्टेट इन 2016. राजस्थान हाईकोर्ट स्ट्रक डाउन 14% रिजर्वेशन फॉर EBS. EBS रिजर्वेशन फॉर पाटीदार डिमांड अर्निंग लेस देन 8 लाख गॉट हार्दिक पटेल 124 सेडिशन. मतलब कि उसने जो मांग की, जो आप आज पारित कर रहे हो, उसको तो आपने जेल भेज दिया, उसको तो आपने जेल भेज दिया. यही मांग कर रहा था ना वो, हार्दिक पटेल यही मांग कर रहा था ना. कृपया अपनी जगह, उसको आपने सेडिशन में जेल भेज दिया. सर, तो इसमें मैंने कहा कि संवैधानिक बाधाएं हैं, इसमें इंप्लीमेंटेशन के बड़े भारी इश्यूज हैं, और इसमें जो सोच विचार होना चाहिए थे वो नहीं हुआ. लेकिन मैं आखिरी बात अपनी रखूंगा और फिर बैठ जाऊंगा. वो आखिरी बात यह है कि रविशंकर जी ने ये प्रियम्बल पढ़ा था, तो मैं भी जरा पढ़ दूं. We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, zara soch ke, secular, democratic republic. Secular, zara dhyan se. Then liberty of thought, expression, belief, faith and worship. वो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. अभी कनी मोदी जी ने कहा किस तरह से दलितों का स्टेटस एक तरफ तो लिंच कर रहे हैं और कोई निंदा करने के लिए तैयार नहीं. उस समय सब मौन रहते हैं, दलितों की लिंचिंग पे मौन, और फिर बात करते हैं आरक्षण की. कृपया बैठे बोल लेते. देन fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Sir, the problem is that when majorities rule the country, they think that they are the repositories of power that emanates from God. They can do anything. And that is what is happening in the last, that is what happening in the last 5 years. I want to just share with you a couplet. Khuda ke bande sambhal ja, waqt hai ab bhi badal ja. Khuda ke bande sambhal ja, waqt hai ab bhi badal ja. Mat kar ek duje pe hamla, kuch hi dinon ka hai jumla. चैन शायगी आदत भुला के, नफरत के बीच दफना के, इंसान बन के दिखा दे. बहुत बहुत